जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद साथियों, मैं निर्देश कुमार आपका मनीष अकेडमी में स्वागत करता हूँ। जुड़ेंगे सभी लोग और देखेंगे आज की क्लास में। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी को जुड़ जाएंगे सभी लोग एक बेहतरीन क्लास के साथ, और सभी लोग पढ़ाई करते रहिएगा। कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा रिवीजन तो करते रहिएगा। जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसका आप रिवीजन करते रहिएगा, और जिन्होंने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं आप रिवीजन के तौर पर पिछली क्लासों को देख लेंगे। ठीक है, जिन्होंने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं आप रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। उनके साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी आपको अन्य तरीके से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जुड़ेंगे सभी लोग, सभी को गुड इवनिंग। जुड़ जाएंगे सभी लोग। कोई भी फालतू का कमेंट नहीं करेगा। जितनी देर पढ़ेंगे ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को देखते जाएंगे और सुनते भी जाएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, आपको क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है, उसके ऑप्शन भी आपको ध्यान से पढ़ने। सबसे पहले इस बात को आपको नोट करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसके बाद उसके चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ने, इसके बाद आपको आंसर लगाना रहेगा और कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, आप उसको सॉल्व भी करिएगा। ठीक है, आपका गलत आता कुछ भी आता आप उसको पेन जरूर चलाएं। ठीक है, देखेंगे आगे। 50 और 60 के बीच अभाज्य संख्या हैं, बताएंगे। ए नंबर ऑप्शन में दिया 51 और 53, बी नंबर में 53 और 57 दिया गया है, सी नंबर में 53 और 59 दिया गया है, डी नंबर में आपको दिया गया नन ऑफ दीज। ठीक है, बताएंगे कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याओं का युग्म है यानी जोड़ा है, बताएंगे। इनमें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो आपको पता है अभाज्य संख्याएं, सभी को अभी तक पता चल गया होगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, या कह सकते हैं वे संख्याएं जिन्हें जिनको एक वा स्वयं की संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित होती हैं, वे संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो एक के द्वारा तथा स्वयं की संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य होती हैं आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जो केवल एक से कटे और स्वयं की संख्या से कटे। ठीक है, तो 51 आपको पता है कि 17 से भी कट जाएगा, 17 तिया 51 होता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, 51 है, एक जोड़ा आपका भाज्य है और दूसरा अभाज्य है भी, तब भी वो जोड़ा आपका आंसर वो नहीं होगा। ठीक है, दोनों देखने हैं कि दोनों आपके क्या होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए। देखेंगे 53 और 57 क्या हो सकते हैं, 19 तिया 57 होता। ठीक है, ये भी नहीं ऑप्शन हो पाएगा, आपका सी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा कि 59 या तो एक से कटेगा या 59 से ही कटेगा, 53 भी या तो 53 से कटेगा या 1 से 53 कटेगा। ठीक है, तो आपका सी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको अभाज्य और भाज्य की संख्या के बारे में पता होना चाहिए। और जल्दी से बताएंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात, जल्दी से कमेंट करेंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या पूछ रहे हैं, कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताएंगे जल्दी से। दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, देखेंगे। जिनका आंसर 4 आ रहा है, ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर आपका 4 होता है, जिनका 4 आंसर आ रहा है उनका सही है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी क्या होती है, 4 होती है। ठीक, देखेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। निम्न में संख्या 8 के अपवर्तक बताइए, अपवर्तक हैं आपको ऑप्शन दिए गए 8, 16, 24, 32, 1, 2, 4, 8, 1, 4, 8, 16 और डी नंबर ऑप्शन नन ऑफ दीज। निम्न में कह रहा संख्या 8 के अपवर्तक आपसे पूछा गया, आपको ध्यान रखना है अपवर्तक पूछा गया है ना कि अपवर्तक। अपवर्तक में आपको गुणज ज्ञात करना रहता है, जबकि आपको अपवर्तक में क्या करना रहता है, जिन संख्याओं द्वारा दी गई संख्या में भाग लग जाए वे संख्याएं आपको लिखनी रहती हैं। तो देखेंगे 8, 16, 32, 24, ये 24, 32, ये आप देखेंगे 8 के क्या हो जाएंगे, ये तो आपके गुणज दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन गुणज नहीं पूछ रहा, वो अपवर्तक पूछ रहा आपसे। तो देखेंगे आपका 1 से भी
तो देखेंगे आपको क्या ज्ञात करना है, अपवर्तक बताना है। तो देखेंगे आठ एक से भी कट जाएगा आपका, दो से भी कट जाएगा, चार से भी कट जाएगा और आठ से भी कट जाएगा। तो यही बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अपवर्तक पूछा गया है आपसे, तो अपवर्तक क्या होंगे, एक दो कोमा चार कोमा आठ हो जाएंगे। गुणज पूछता, अपवर्तक पूछता तब ये आंसर होता, लेकिन आपसे अपवर्तक पूछा तो बी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखेंगे आगे आपके तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 400 का 20% का 20% होगा। तो आपको पता है काका मतलब गुणा होता है, तो कुछ नहीं संख्या लिख करके जिस रूप में पूछा गया आप सेम कंडीशन जो पूछा गया वही लिख देंगे। 400 का पूछ रहा है, 400 का 20% लिखेंगे, 400 काका मतलब गुणा 20%, 20% साइन हटाएंगे, ये परसेंटेज साइन लगा है, परसेंटेज जिस संख्या के साथ लगा होता है उसके बटे में क्या कर देते हैं, 100 से भाग लगा देते हैं। ठीक है, तो 20/100 हो जाएगा, परसेंटेज साइन हटाएंगे, गुणे फिर का है तो गुणा हो जाएगा और 20/100 हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे दो जीरो से दो जीरो काट देंगे आप, एक जीरो से ये जीरो, एक जीरो से एक जीरो, गुणा करेंगे, चार दूनी आठ दूनी 16, डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, 400 का है, का मतलब गुणा होता है, परसेंटेज वाला ये साइन हटाएंगे तो संख्या के भाग में 100 लगाएंगे, बस यही ध्यान रखें, यहाँ भी परसेंटेज साइन हटाएंगे भाग में 100 लगाएंगे, बस सॉल्व कर देंगे, आंसर आएगा डी नंबर यानी 16 आपका आंसर सही होगा। आगे देखेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 6 ग्राम है, 0.06 किलोग्राम और बी नंबर 0.06 किलोग्राम और 0.06 किलोग्राम और डी नंबर 60 किलोग्राम, बताएंगे 6 ग्राम है तो आपको ग्राम में दिया गया है और नीचे किलोग्राम में पूछ रहा है, हो सकता है आपसे इससे चेंजमेंट पूछ लिया जाए। तो क्या करेंगे, 6 ग्राम है, किलोग्राम में बदलना है, तो क्या करते हैं जब ग्राम से किलोग्राम में बदलते हैं, ग्राम से किलोग्राम तब क्या कर देते हैं, 1000 से भाग लगा देते हैं। आपको पता है 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम होता है, वहीं से आप पक्षांतर करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 ग्राम मतलब ग्राम निकालना है, ग्राम से किलोग्राम में बदलना है, तब भी ये याद रख सकते हैं, ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग लगाते हैं, ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए एक हज़ार से भाग लगाते हैं, बस ये इतना याद रख सकते हैं, नहीं तो पक्षांतर करके भी कर सकते हैं। देखेंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, 6 लिखा है और 6/1000 करेंगे, देखेंगे ये आपके 1 2 3 0 है, आपको पता है आपके हमेशा बाईं तरफ ये तीन तीन दशमलव बाईं तरफ लग जाएगा, 6 0 0 यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। ठीक है, ये आपका जो आंसर आ रहा है वही आंसर हो जाएगा, नीचे आप देखा हर में 3 0 है, तो आप देखेंगे अंश में 3 अंक बाद दाईं तरफ दशमलव लगा देंगे, मतलब बाईं तरफ आपके, सॉरी बाईं तरफ, ठीक है बाईं तरफ चलना है, 3 अंक बाद बाईं तरफ 0 लगा देना है। ठीक है, तो आपका ए नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपका ए नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, 1000 से भाग लगाना रहेगा जब आपको ग्राम में दिया जाए। ठीक है, तो ए नंबर विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आप समझ गए होंगे। आगे देखेंगे पांचवें नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे जल्दी से, बिल्कुल सिंपल सा है और पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा और स्पीड के साथ आंसर करिएगा। देखेंगे 5.4 और माइनस करना है आपको, ये ध्यान रखना है आपको, दशमलव ये दिया गया है ये ध्यान रखना है, दशमलव के नीचे आपको दशमलव रखनी है। ठीक है, जब भी ऐसी कंडीशन मिले तो आपको दशमलव के नीचे दशमलव रखिए, जो अंक दिए गए उनको लिख लेंगे, 2 2 5 बस आप घटा देंगे। देखेंगे ऊपर कोई अंक नहीं है तो आप क्या करेंगे, 0 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 0 मान लेते हैं, तो देखेंगे 0 में से 5 जाएगा ना, तो यहाँ से अब उधार लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा, 5 आपका हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, और 5 में लगाएंगे दशमलव, 5 में से 2 जाएगा 3, 3.15 आपका आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर कुछ नहीं था तो आपने जीरो मान लिया, जीरो से पाँच घटाया आपका इतना आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। दशमलव के नीचे आपको दशमलव लिखनी रहती है। देखेंगे आगे छठवें नंबर क्वेश्चन में क्या है, 4, 5, 6 से बनने वाले तीन अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, 4, 5, 6 से बनने वाले तीन अंकों की सभी संख्या लिखिए। तो आपको संख्याएं लिखनी है तो लिखेंगे कौन कौन सी संख्या हो जाएगी। पहली तो आपसे आपकी संख्या यही हो जाएगी 456। दूसरी क्या हो जाएगी आपकी, 5, 6, 4 हो जाएगी। ठीक है, अगली देखेंगे 6, 5, 4 हो जाएगी। ठीक है, और देखेंगे एक हो जाएगी 4, 6, 5 हो जाएगी। आपके यहाँ पर देखेंगे 5, 4, 6 हो जाएगी, और यहाँ पर देखेंगे 6, 4, 5। आपकी यही संख्याएं, 6 संख्याएं आपकी बनेंगी, आप देख लेंगे। ठीक है, कोई संख्या रिपीटेशन नहीं, मतलब कह रहा है अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति का मतलब आप तो पता है कि 6, 6 दो बार नहीं आना चाहिए बस। ठीक है, अंकों को आगे पीछे करके आपको 6 अंकों की संख्या बनानी है, मतलब 6 संख्याएं बनेगी। ठीक है, 3 अंकों की बनानी है तो आप कि ये संख्याएं बन जाएंगी। बनाने में कुछ नहीं करना रहता था, आपने किया कि 4, 5, 6, इसके बाद क्या करें, 4 को वहीं रखा और 6 को बीच में, बाद में 5 कर लिया, बदलते जाएंगे। ठीक है, कंडीशन ऐसे करके आप लिख लेंगे। देखिए 5, 5 लिख लिया, ऊपर पहले 6 था तो उसको अंत में लिख लिया, 4 को आगे लिख लिया, तो ऐसे करके आप बना लेंगे परिवर्तन करके। ठीक है, आगे कह रहा है सातवें नंबर क्वेश्चन में, 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर लिखिए। ठीक है, तो सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है इन अंकों की, तो सबसे बड़ी के लिए आप क्या करना रहता है, अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम लिखना रहता है बड़ी संख्या के लिए। तो बड़ी संख्या के लिए अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम देखेंगे, बड़ी संख्या लिखेंगे तो घटते हुए क्रम में, पहले बड़ी संख्या लिखेंगे उसके बाद उससे छोटी देखेंगे। 7, 6, 5, 0 ये आपकी सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी, और छोटी संख्या के लिए आपको क्या करना रहता है, आरोही क्रम, क्या करना रहता है, आरोही क्रम। आरोही क्रम के लिए आप क्या करेंगे, आरोही क्रम मतलब होता है आपका बढ़ता क्रम। ठीक है, बढ़ता क्रम क्या करें, सबसे पहले 0 तो लिख नहीं सकते, 0 लिखेंगे तो आपकी हो जाएगी 3 अंकों की संख्या, तो क्या करेंगे 0 से उससे थोड़ा बड़ा लेंगे तो 5 लिखेंगे, फिर क्या करें, फिर क्या करेंगे 0 लिख लें, फिर 6 लिख लें, फिर 7 लिख लें, बस इनका अंतर ज्ञात करना है। देख लेंगे अंतर निकालना है, 7, 6, 5, 0 में 5, 0, 6, 7 ये घटाना है। ठीक है, अंतर निकालना है, देखेंगे अंतर निकालने कितना आएगा, जल्दी से बताएंगे। यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ बचेगा 4, यहाँ लेंगे 14 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 5, और 7 में 5 गए 2, 2583 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिनका 2583 आ रहा है, कुछ नहीं करना, कह रहा है 6, 7, 0, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात का अंतर ज्ञात की, अंतर मतलब आप क्या होता है कि उसका घटाना ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करेंगे आप, बड़ी संख्या निकालेंगे क्या, 7,650 आएगी, छोटी संख्या 5,067 आएगी। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, उनका अंतर निकाल लेंगे। और बड़ी संख्या लिखने के लिए आपको अवरोही क्रम ध्यान रखना, मतलब घटते क्रम में बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी मतलब घटाते चले जाएंगे, और छोटी संख्या के लिए बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे देखेंगे आठवें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 6 के प्रथम 4 अपवर्तक लिखिए। ठीक है, अपवर्तक पूछा गया, जल्दी से बताएंगे, बिल्कुल सिंपल सा, अपवर्तक क्या हो जाएंगे, 6 के अपवर्तक। कुछ नहीं, 6 के अपवर्तक मतलब आपको क्या करना है, गुणज लिखने हैं 6 के, 6 के प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करा देंगे तो आपको 6 के प्रथम 4 अपवर्तक मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ये तो आपको पता होगा, प्राकृतिक संख्या आपकी जिनके द्वारा गिनती की जाती है वे आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो देखेंगे 6 के अपवर्तक 6 हो जाएगा एक, उसके गुणज में लिखने मतलब टेबल में आने चाहिए, 18 हो जाएंगे और 24 हो जाएंगे। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, 6 बार है, 18, 24, 6 के आपके अपवर्तक 4 हो जाएंगे, 4 पंचित 4 अपवर्तक आपके हो जाएंगे। 9वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, आंसर देंगे 0.053 को प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, को प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100% से गुणा करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो क्वेश्चन है 0.053 में गुणा कराएंगे 100% से, तो क्या आएगा, दो दो जीरो हैं इसमें, ये दो अंक दशमलव के बाद, तो इन जब गुणा कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 53, मतलब ये जीरो आपकी, ये दो अंक दशमलव के हैं आपकी बाईं तरफ दो अंक खिसक जाएंगे। ठीक है, जीरो जब जीरो जीरो आप गुणा कराएंगे, दो दो जीरो हैं तो दो अंक दशमलव आपकी बाईं तरफ खिसक जाए, आपका आंसर आएगा 53%। 100 का गुणा कराया 53 में, 0.53 में, तो कितना आया, 53 आया, और ये परसेंटेज का आसान आपका 53% आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप, यहाँ पर दो अंक बाद दशमलव था, यहाँ पर दो जीरो हैं तो उनको ये ख़त्म कर देंगे। ठीक है, दशमलव पूरी हट जाएगी। ठीक है, कितना बचेगा, 53 बचेगा यहाँ पर, और ये परसेंटेज का साइन लग जाएगा, 53% आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, बताएंगे, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं, क्लास को लाइक कर देंगे। दसवां क्वेश्चन देखेंगे, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कीजिए जिसका विकर्ण विकर्ण 5√2 है। ठीक है, वर्ग का आपका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण आपको दिएगा 5√2 है। ठीक है, तो आपको पता है ये आपका वर्ग है, और बाय का डायगनल, मतलब ये तो पता है आपको, ये क्या होता है, विकर्ण होता है। ठीक है, जब उसको डायगनल काटते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। विकर्ण कितना होता है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण कितना होता है, भुजा√2। ठीक है, क्या होता है, भुजा√2 होता है आपका विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण आपको दे रहा है, कितना दे रहा है वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर आपको दे रहा है 5√2, और लिख लेंगे भुजा√2। आपको जब भुजा पता चल जाएगी तब तो आप क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जब भुजा पता चल जाएगी तो आप वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखें, भुजा मान लीजिएगा x√2 हो जाएगी, और यहाँ पर 5√2 है, √2 से √2 ये कट जाएगा, एक्स बराबर आपका क्या आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा आपका 5। ठीक है, आपका एक्स बराबर 5, यहाँ पर सेंटीमीटर भी लिख लेगा। ठीक है, 5√2 सेंटीमीटर है, क्योंकि आपको यूनिट तो लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, फिर वर्ग का क्षेत्रफल सभी को पता होगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। ठीक है, क्या करते हैं, भुजा का स्क्वायर, भुजा भुजा आपकी कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25, और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। आपको कुछ नहीं, वर्ग का विकर्ण दिया था, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, यहाँ पर भुजा√2 होती है, जैसे ए मान लें, भुजा आपकी कितनी है, इसकी ए है, तो विकर्ण क्या हो जाता, a√2। ठीक है, क्या हो जाता आपका, a√2 आपका विकर्ण हो जाता है वर्ग का। तो वही दिया गया था, आपने निकाल लिया, एक्स वर्ग कितना आया यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर आपका आंसर आया, मतलब एक्स वाला 5 सेंटीमीटर आपका आ गया था। फिर इसके बाद आपने जब उसकी क्षेत्रफल निकाला तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे, आगे देखेंगे। फिर जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे।
देखेंगे। एक टोकरी, कुछ नहीं, चालू कर दो। एक टोकरी में आमों को एक बालिका 4.6 और 9 ढेरियों में सजाती है। प्रत्येक बार टोकरी एक आम टोकरी में, ठीक है, टोकरी में एक आम शेष रह जाता है, तो बताइए टोकरी में कम से कम कितने आम हैं। तो देखेंगे क्या करेंगे। एक बालिका 4.6 और 9 ढेरियों में सजाती है, टोकरी में है, उनको सजाती है, रखती है, ठीक है। और जब वो रखती है तो उसको एक आम शेष रह जाता है, ठीक है। एक आम उसका जब सजाती है, चार रखती है तो उसमें एक आम बच जाता है, ठीक है। जब 6 की ढेर लगाती है तब भी उसका एक आम शेष बच जाता है। तो बताइए कुल कितने आम है, कम से कम कितनी आम हो सकती है टोकरी में, ठीक है। तो ये बताना है। तो क्या करेंगे, जब कम से कम पूछा है तो आपको पता है एलसीएम लेना रहता है, एलसीएम लेंगे। देखिए ठीक है, 4.6.9 का आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखेंगे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 9 नहीं कटेगा, सेम उतार देंगे, ठीक है। उसके बाद 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, सेम उतार देंगे, ठीक है। अब 3 से काटेंगे, 3 1 तो है, 3 एकम 3, 3 तक 9, फिर एक बार 3 से काटेंगे, 1 1 1, ठीक है। आपको 1 1 प्राप्त हो जाएगा। गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4, 3 12 है, 3 36, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा इनका, एलसीएम आएगा 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है, कितना आ गया, 36। पर ये कह रहा है कि एक आम शेष रह जाता है, तो कुल टोकरी में आम कम से कम आम कितने होंगे, कम से कम आम कितने हो जाएंगे, 36 तो हैं, लेकिन एक कह रहा है एक आम शेष रह जाता है, 36 में उसको एक जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 37, ठीक है। तो कम से कम कितने आम हो सकते हैं टोकरी में, आपके कम से कम 37 आम टोकरी में हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जब कम से कम पूछता है, अधिक से अधिक पूछता है, तब तो आपको वहाँ पर एलसीएम निकालना रहता है, और कम से कम के लिए आपको एलसीएम निकालना रहता है। दी गई संख्याओं को, आपको संख्याएं ये दी जाएंगी, उसमें से आपको ये करना रहेगा, ठीक है। आप एलसीएम निकाल लेंगे, इसके बाद जो शेषफल बच रहा है उसको हम बता चुके हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है, कम से कम में। और वैसे जो एलसीएम निकालना हो तो पहले उन्हीं संख्याओं में घटा देते हैं, बाद में उसका एलसीएम निकाल लेते हैं, तब आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो समझ गए कितना आएगा, 37 आपका आंसर आएगा। आगे देखेंगे, बारह नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, 48 व 72 का सरलतम अनुपात होगा, इसको सरल करना है। तो सरलतम अनुपात के लिए क्या करना रहेगा, आपको कुछ नहीं करना, 48/72 कर देंगे, 24 से काट देंगे, 24 दूनी 48 और 24 3 72, आपका हो जाएगा 2:3, ठीक है। आपको 48/72 दिया गया था, 48/72 सरलतम अनुपात, सरलतम अनुपात मतलब उनको आपको काटना है, सरल करना है। सरल करेंगे क्या आपका आएगा, 2:3 के अनुपात में आपको प्राप्त तो होगा, ठीक है। समझ गए होंगे, ठीक है, 2:3 आपका आंसर आएगा। आगे देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, रेखा ने वार्षिक परीक्षा में 700 में से 490 अंक प्राप्त किए हैं, कुल कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, ठीक है, कुल कितने परसेंट अंक प्राप्त किए। तो आपको क्या करना रहेगा, कितने अंक प्राप्त किए, कुल अंक, प्राप्त अंक कितने हैं, लिख लेंगे। आपको प्राप्त अंक दिए गए हैं, प्राप्त अंक 490, ठीक है। और कितने में से, मतलब पूर्णांक कितना है, पूर्णांक इसमें दे रहा है, कह रहा है पूर्णांक आपका है 700 में से, ठीक है। पूर्णांक क्या रहा होगा, 700 रहेगा। तो क्या करेंगे, 700 में से उसने क्या करेंगे, 490, ठीक है, 700 निकालने, कह सकते हैं 700 का 490, ठीक है,
कागज के साथ होता है उसको भाग में लिख देते हैं, ठीक है, उस रूल से कर सकते हैं। नहीं तो 490 का, 490 आपको अंक प्राप्त हुए हैं, पूर्णांक 700 का, तो हमेशा पूर्णांक से कुल आपका 700 है जिसमें आपको 490 प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आपको क्या परसेंटेज निकालना है, 100% से गुणा कर देंगे, देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा ये जीरो, ठीक है। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 70% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 70% आपका आंसर आ जाएगा, समझ जाएंगे आप लोग। प्राप्त अंक आपको 490 थे, कितने में से, 700 में से, तो जितने पूर्णांक था उसको आप भाग में रखते हैं और जितना आपको प्राप्त हुआ, मतलब जितने अंक प्राप्त हुए उनको आपको ऊपर लगते हैं। अब बस उसको जब परसेंटेज निकालना है तो 100% से गुणा करा देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है, 70% इसका आंसर आएगा, ठीक है। देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन में, एक व्यापारी 500 रुपये प्रति कुंतल की दर से खरीद कर गेहूँ खरीद कर, कुछ भी है, दाल है या गेहूँ है, गेहूँ खरीद कर 450 रुपये प्रति कुंतल दर पर बेच देता है, प्रतिशत लाभ या हानि बताइए, ठीक है। तो ये तो पता है कि प्रतिशत हानि होगी क्योंकि 500 रुपये में खरीदा है और फिर कितने में बेचा है, 450 में बेच दिया है, तो प्रतिशत हानि आपको ज्ञात करनी रहेगी। देखेंगे खरीदा क्रय मूल्य, गेहूं का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है आपका 500 रुपये प्रति कुंतल, ठीक है, प्रति कुंतल लिख सकते हैं, और विक्रय मूल्य गेहूं का लिखते हैं, गेहूं लिख दीजिएगा जो है, ठीक है, और गेहूं का विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना है, 450 रुपये रुपये प्रति कुंतल, ठीक है। तो देख लेंगे 500 में खरीदा था क्रय मूल्य जिस पर उस वस्तु खरीदी जाती है और विक्रय मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है, तो क्या हो जाएगा, हानि बराबर आपका हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपको कितना दिया गया, 500 रुपये दिया गया है, और माइनस विक्रय मूल्य आपको कितना दिया गया है, 450, घटा देंगे कितना प्राप्त होगा आपको, हानि कितनी हुई हुई है, हानि बराबर हो जाएगी 50 रुपये, ठीक है। जब आपने इसको सॉल्व किया कितना आया, हानि 50 रुपये, तो हानि परसेंट पूछ रहा है, तो हानि परसेंट बराबर आपका सूत्र क्या होता है, हानि गुणे 100% बटे क्रय मूल्य जितने पर वस्तु खरीदी थी, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे इनमें, मान रख दें हानि आपको कितनी हुई है, 50 रुपये की हुई, गुणे 100%, ठीक है, और कितने क्रय मूल्य कितना था आपका, 500 रुपये था, देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और 5 एकम 5 यानी 10 और परसेंटेज का साइन, तो हानि परसेंट कितनी हुई आपको, हानि परसेंट हो जाएगी 10% की, ठीक है, कितनी आएगी हानि परसेंट आपका, 10% हानि परसेंट आएगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे देखेंगे 15वें नंबर क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना था, गेहूं का क्रय मूल्य आपको दिया गया 500 रुपये प्रति कुंतल की दर से खरीदा है, 450 रुपये प्रति कुंतल की दर से बेच दिया है उसको, तो कह रहा हानि कितनी होगी, तब हानि तो आपको पता 50 रुपये हो गई, देखा हानि परसेंट पूछ रहा था, तो हानि परसेंट के लिए आपको सूत्र पता है, हानि गुणे 100% बटे क्रय मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी, ठीक है, नीचे हमेशा वही रहता है जिसका प्रारंभिक मूल्य क्या था, ठीक है, वह हमेशा आपके नीचे हर में रहता है। पंद्रहवें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, पार्श्व चित्र से, जो आपको चित्र दिया गया है उसकी सहायता से आपको क्या करना है, वृत्त का व्यास लिखिए और वृत्त की जीवा लिखिए, ठीक है, क्या करना है आपको, वृत्त का व्यास लिखना है और आपको वृत्त की जीवा लिखनी है, तो क्या करेंगे, आपको पता है वृत्त का व्यास क्या होता है,
वृत्त का व्यास वह होता है जो वृत्त के केंद्र से होकर के, यहाँ केंद्र आपको क्या दिया गया, ओ दिया गया है, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, क्या कहलाती है आपका, व्यास कहलाती है। वृत्त की परिधि है, ये परिधि है और ये परिधि है, और कहाँ से होकर के जा रही है आपकी रेखा, आपकी रेखा व्यास से होकर के मतलब केंद्र से होकर के जा रही है, तो क्या कहलाएगी, ऐसी ऐसी रेखा को क्या बोलते हैं, हम व्यास बोलते हैं। तो आपसे व्यास पूछ रहा है, तो व्यास आपका क्या हो जाएगा, व्यास क्या हो जाएगा आपका, डी सी, ठीक है। देखेंगे ये ओ दिया गया है आपको, केंद्र वृत्त का केंद्र दिया गया है और ये रेखा आपकी जा रही है, ठीक है, डी सी। तो व्यास क्या होता है, वृत्त की किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है, ठीक है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, लेकिन वह रेखा कहाँ से जानी चाहिए, वृत्त के केंद्र से होकर जानी चाहिए, ऐसी रेखा आपकी क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। लेकिन जब रेखा केंद्र से ना होकर के जा करके कहीं से भी चली जाए, ठीक है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, लेकिन वह वृत्त के केंद्र से ना जाए, तब वह रेखा आपकी क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। तो व्यास तो आपका डी डी सी हो जाएगा, ठीक है, जीवा आपकी, एक जीवा आप कह रहा है, एक जीवा लिखें आप चाहें, आप देख सकते हैं और भी जीवाएँ हैं क्या, तो लिख सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, देखें वृत्त की जीवा लिखिए, तो वृत्त की एक ही जीवा इसमें देखेंगे, जीवा ए कोमा बी हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी आपकी जीवा, ए कोमा बी हो जाएगी, क्योंकि देखिए वृत्त के परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, एक परिधि ए से बी तक जा रही है, ए से बी तक, और ये केंद्र से तो होकर जा नहीं, केंद्र ये ओ दिया गया है, तो क्या हो जाएगी आपकी, जीवा हो जाएगी, तो जीवा क्या हो जाएगी, ए कोमा बी हो जाएगी, ठीक है। जीवा और व्यास की त्रिज्या की आपको परिभाषा पता है, त्रिज्या क्या होती, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, वृत्त के केंद्र ओ है और परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है आपकी, त्रिज्या कहलाती, त्रिज्या क्या हो जाएगी वैसे, ओ, और यहाँ पर क्या दिया गया, जो भी एम लिखा है, जो भी लिखा है, ठीक है, आगे देखेंगे। वृत्त का परिमाप बताइए बताइए जिसकी त्रिज्या आपको दी गई है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr, मतलब जो वृत्त होता है उसके चारों ओर की जो माप है वही आपकी क्या कहलाती है, परिमाप कहलाता है, तो 2πr होता है। लिखेंगे 2π का मान आपको पता है क्या होता है, एक तो होता है आपका 22/7 और एक 3.14, ठीक है, 22/7 मान लेते हैं, देखेंगे पाई का मान रख देंगे 22/7, आपको त्रिज्या कितनी देगी, 7 सेंटीमीटर, लिख देंगे सॉल्व करेंगे, 7 से 60 कट जाएगा, 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा आपका, 44 सेंटीमीटर हो जाएगा, यदि वृत्त का परिमाप बताइए जिसकी त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर दी गई थी, त्रिज्या मतलब आर आपको दिया गया था 7 सेंटीमीटर, ठीक, जब आर आर आपको दिया गया तो 2πr वृत्त का परिमाप होता है, आपने निकाल दिया, कितना आया, 44 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, एक व्यक्ति 800 रुपये को 4% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए, वर्ष के लिए उधार लेता है, तो साधारण ब्याज बताइए, बताएंगे जल्दी से,
ठीक है, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो क्या करना, साधारण ब्याज वाला आपको सूत्र पता है क्या होता है, जल्दी से बताएंगे आंसर। मूलधन जितना पहले मूल्य था उसका, मतलब जितने आपने उधार किसी से लिए, मूलधन जो प्रारंभिक मूल था, ठीक है, दर गुणे समय और बटे 100, ठीक है, बस इसी में मान रखना। मूलधन आपको 800 दिया गया है, दर आपको 4 दी गई और समय 3 दी गया, बटे 100 करेंगे, 2 0 से 2 0, 4 3 है 12 8 96, ठीक है, कितना आएगा, 96 रुपये आपका आंसर आएगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन है ना, मूलधन आपको दिया गया 800 रुपये, आप लिख सकते हैं ऊपर मूलधन, जहाँ से सॉल्व करेंगे वहाँ से आप लिख सकते हैं, मूलधन आपको दिया गया है, पहले लिख लेंगे मूलधन 800 रुपये है, ठीक है, आपको दर कितनी दी गई है, दर 4% है, दर 4%, समय कितना है 3 वर्ष, ऐसे करके आप लिख लेंगे, ठीक है, इसके बाद सूत्र लगाएंगे, आंसर आपका आ जाएगा 96 रुपये, आपका आंसर साधारण ब्याज आ रहा है 3 वर्ष में हो जाएगा, यदि 800 रुपये हैं 4% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, वार्षिक ब्याज कह रहा है, मतलब 1 वर्ष में 4% करके चल रहा है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तथा आधार 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, दे रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी ऊंचाई आपको 10 सेंटीमीटर है तथा आधार 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार और ऊंचाई के रूप में, आपको पहले पिछली क्लास में बता चुके, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 मतलब पूरे में भाग में रहेगा, ठीक है, चाहे 1/2 गुणाम करके, चाहे आधार गुणे ऊंचाई 2/2 कर दे, बात एक ही है, ठीक है। तो आधार कितना दिया गया आपको 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको कितनी दी गई 10 सेंटीमीटर, 2 करेंगे 6 2 60 2/2, ठीक है, 30 हो जाएगा और क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर आएगा। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, सभी को सूत्र पता, आधार गुणे गुणे ऊंचाई, ये सूत्र तो पता होगा सभी को, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आधार और ऊंचाई दिया जाता है, तो वही लगा दिया सूत्र, आपका आंसर आ गया, ठीक है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखें, क्योंकि यहाँ देखो 6 सेंटीमीटर होगा 10 सेंटीमीटर, तो इसका जब गुणा करेंगे क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, हमेशा क्षेत्रफल में याद रखिए, जब भी आपको क्षेत्रफल पूछे तो गुणा होता है तो वहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो जरूर आएगा, ठीक है। और बताएंगे आपको क्लास कैसे लगे और देखेंगे, जिनको PDF नोट्स लेने हैं, ठीक है, PDF नोट्स उनके लिए नंबर है 94 11 96 91 20, ठीक है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं यदि आपको PDF नोट लेने हैं, ठीक है, और देखेंगे क्लास आपको कैसी लगी बताएंगे, और जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है वो क्लास को लाइक करके जाएंगे। मिलेंगे अगले दिन, जय हिंद।